Good morning everyone. Today we are going to do a new exercise based on division. In the previous classes children, you have done division of two digit number. In this class we will done the division of three or four digit number with two digit numbers. Okay children, so before starting the division, let us read about the division facts. Division facts. When a number is divided by itself, the quotient is 1. जब भी कोई सा नंबर अपने खुद से डिवाइड होगा तो क्वेश्चन हमेशा 1 आएगा. जैसे 10 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 1. 10 के टेबल में 10 कितनी बार आता है? 1 बार आता है. वैसे ही सेकेंड फैक्ट, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1, द क्वेश्चन इज द नंबर इटसेल्फ. जब भी कोई सा नंबर 1 से डिवाइड होगा तो आंसर वही का वही नंबर आ जाएगा. जैसे 10 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 के टेबल में 10 कितनी बार आता है? 10 बार. ठीक है, तो जब भी किसी नंबर को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर वही का वही नंबर आ जाएगा. When 0 is divided by a non-zero number, the question is 0. किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 0 ही आएगा. जैसे किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है, वैसे ही किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं या किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो भी आंसर 0 ही आएगा. और लास्ट फैक्ट है हमारा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. इसको समझने के लिए पहले हम एक डिवीजन समझते हैं. जो 1, 2, 3 और लास्ट में 5, जो हमारा ये लास्ट में आता है इसको बोलते हैं रिमाइंडर. जो ये आंसर आता है इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन, इसे बोलते हैं क्वेश्चन. इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिविडेंट. ठीक है, तो डिविडेंट कैसे आता है? डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर, जिससे डिवाइड किया जा रहा है, इनटू क्वेश्चन, जो आंसर आ रहा है, प्लस रिमाइंडर, जो बचा हुआ है. हुआ क्लियर? डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. डिविडेंट जिसको डिवाइड करना है, डिवाइजर जिससे डिवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन जो आंसर आ रहा है और रिमाइंडर जो बच रहा है. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 52 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5 0. सो चिल्ड्रेन, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. So this is the key point of all the division facts, and we have to remember this. Now let us move towards our exercise. Let's do 4F, exercise number 4F on page number 33. Write the question and the remainder for each of the following. Do these sums mentally. Now we have to do this sum mentally, means we don't have to do this sums with the help of pen or paper. So 1000 divided by this number. So children, for this 1000, 2s are 2000, so question and remainder. So 1000, 2s are 2000, 2000 जब माइनस हो जाएगा तो 910 बचेगा. हम ऊपर से 5 कॉपी करेंगे तो कितना बचा? 9000. 9000, तो कितना बचेगा? 105 बचेगा. हम ऊपर से 6 कॉपी करेंगे, 6 कॉपी करने के बाद 1000, अब हमारे पास बचेगा 569, तो हमारा रिमाइंडर है 569. ठीक है, पार्ट बी 10000. ओके चिल्ड्रन, सो क्वेश्चन एंड रिमाइंडर 10000.
वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, तो टेन थाउजेंड एट ज़ा, ओके टेन थाउजेंड एट ज़ा एट थाउजेंड, फिर कितना बचा, ट्वेंटी फाइव हंड्रेड बचेगा, हम नाइन को नीचे ले आएंगे, अब नाइन को जब नीचे ले आए तो टू ज़ा ट्वेंटी थाउजेंड, फिर इसमें से क्या बचेगा, फाइव थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड, फिफ्टी थाउजेंड तो टेन थाउजेंड फाइव ज़ा फिफ्टी थाउजेंड, तो हमारा क्वेश्चन आएगा एट हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव और हमारा रिमाइंडर आएगा नाइन्टी सिक्स, ओके। नाउ पार्ट सी, टेन से करना है तो क्वेश्चन और रिमाइंडर, अब टेन से करना है तो सेवन ज़ा सेवेंटी, बचेगा वन, हम नाइन को नीचे लाएंगे, वन ज़ा टेन, बचेगा नाइन, हम फाइव को नीचे लाएंगे, नाइन ज़ा नाइन्टी, बचेगा फाइव, हम सेवन को नीचे लाएंगे, फाइव ज़ा फिफ्टी, हम सेवन बचेगा, हम टू को नीचे लाएंगे, फिर सेवन ज़ा, फिर हम टू को नीचे लाएंगे, वन को नीचे लाएंगे, फिर टू ज़ा, ओके, और रिमाइंडर बचेगा हमारा वन, ठीक। अब आते हैं हम लाख पर, वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख पर, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड एंड लाख, ओके। सो फाइजा जब हो जाएगा तो हमारा ये नंबर बच जाएगा, फिर फोरजा से करेंगे, ठीक है, फिर ज़ीरो से करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा टू एट फाइव सिक्स थ्री। नाउ चिल्ड्रन, अब हंड्रेड से डिवाइड करना है तो पहले हम थ्री नंबर्स को लेंगे, तो क्वेश्चन और रिमाइंडर, सिक्स ज़ा बचेगा फाइव और नाइन, हम सेवन को नीचे कॉपी कर लेंगे, फिर फाइव से डिवाइड, फाइव ज़ा हंड्रेड फाइव हंड्रेड, फिर बचेगा नाइन सेवन, हम टू को नीचे कॉपी कर लेंगे, फिर नाइन से करेंगे, बचेगा सेवन और टू, हम एट को कॉपी कर लेंगे, फिर सेवन से करेंगे, बचेगा टू एट और ज़ीरो, फिर हम टू से करेंगे, फिर बचेगा एट ज़ीरो, फिर हम एट से करेंगे और रिमाइंडर बच जाएगा हमारा नाइन, ठीक है। अब थाउजेंड से, थाउजेंड वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड, हम नाइन से करेंगे, बचेगा नाइन फिफ्टी वन, हम वन को नीचे कॉपी कर लेंगे, फिर नाइन से करेंगे, बचेगा फाइव वन वन, हम थ्री को कॉपी कर लेंगे, फिर फाइव से करेंगे, फिर बचेगा वन वन थ्री, हम टू को कॉपी कर लेंगे, नीचे कॉपी कर लेंगे, फिर वन से करेंगे, फिर बचेगा वन थ्री टू, हम फोर को नीचे कॉपी कर लेंगे, फिर वन से करेंगे, अब रिमाइंडर बचेगा थ्री ट्वेंटी फोर, ओके चिल्ड्रेन। दिस यू हैव टू डू इन योर बुक ओनली एंड यू हैव टू कॉपी दिस इन योर होमवर्क कॉपी। नाउ लेट अस डू एक्सरसाइज 4F क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, देन चेक योर आंसर। We have to find the question and we have to check the answers also. Copy down question number 2 and copy down part A. What is the part A? 487-2900 divided by 82. So children, 82 को divide करना है इस number से. 82 हमारा divisor है, ये number हमारा dividend है. यहाँ question लिखेंगे और नीचे नीचे बचेगा वो remainder है हमारा. तो चलिए 82 के आसपास का नंबर देखते हैं. टू नंबर से तो डिवाइड करना मुश्किल है, हम थ्री नंबर को यूज़ करते हैं, तो 82 से रफ वर्क बना लेते हैं हम यहाँ पर. टेन एट फाइव ज़ा फोर्टी एंड वन फोर्टी वन, फाइव ज़ा फोर हंड्रेड एंड टेन, सो फाइव ज़ा फोर हंड्रेड एंड टेन. अब 10 में से 7 माइनस करिए, 0 माइनस करिए 7, 8 में से 1 माइनस करिए 7 और 0.
अब हम कॉपी कर लेते हैं टू डिजिट 82 के टेबल में 77 तो पॉसिबल नहीं है, हम 2 को नीचे कॉपी कर लेते हैं, हमारा 2 नीचे कॉपी हो गया। अब 82 के टेबल में 772 के आसपास वाला नंबर देखिए कौन सा है, तो 5 जा इतना 6 जा देख लेते हैं हम, 82 × 6, 6 × 18, 8 × 1 48 and 1 49, 82 7 देखते हैं 9 देखते हैं, 9 × 18, 8 × 1 9 × 8 = 72 and 1 = 73, तो 7 38, तो 82 9 = 7 38, सो 12 ये 6 हो गया, 6 में से 3 गए 3, 7 में से 7 गए 0, 8, 9, 10, 11, 12, बचा 4। अब 82 के टेबल में 34 नहीं आता तो हम नीचे 9 कॉपी कर लेते हैं, ये हमने 9 कॉपी किया। अब 82 के टेबल में 349 के लगभग नंबर देखिए कौन सा है, 5 जा 410 होता है, तो हम 4 जा देख लेते हैं, तो 82 4 जा 4 2 जा 8, 4 जा 328। ओके चिल्ड्रन, यहाँ 4 लिख जाते हैं, 4 जा 328, 9 में से 8 माइनस किया 1, 4 में से 2 माइनस गया 2, 3 में से 3 0। अब 82 के टेबल में 21 पॉसिबल नहीं है तो हम यहाँ पर 0 कॉपी कर लेंगे, ये 0। अब 82 के टेबल में ऐसा नंबर देखिए जो 210 के आसपास है, तो हम 2 देखते हैं, तो 82 कितने जा 82 × 2, 8 × 2 = 16, 164, तो 82 2 = 164। अब 10 में से 4 माइनस कीजिए, 10 में से 4 माइनस कीजिए तो आया 6, यहाँ 4, यहाँ 0। अब 82 के टेबल में 46 नहीं है तो हम बचा हुआ 0 और कॉपी कर लेते हैं, 460 हो गया। अब 82 के टेबल में 460 के लगभग देखिए कौन सा है, 82 5 जा 410 है, अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले, तो 5 जा 410, तो देखिए 0 में से 0, 5 में से 1 माइनस किया 4, 4 में से 4 0, तो हमारा रिमाइंडर बचा है 50। ओके चिल्ड्रेन, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमसे, चेक योर आंसर, हमें चेक भी करना है अपने आंसर, तो चलिए लेट अस चेक। ओके, अपना क्वेश्चन आया, क्वेश्चन कितना आया है 59425, रिमाइंडर कितना आया है 50। ठीक है, तो चेक कैसे करेंगे, लिखिए डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ओके चिल्ड्रन, सो डिविडेंड, डिविडेंड कितना है अपना, डिविडेंड यहाँ लिखा होता है, ठीक है, उसके बराबर होना चाहिए। डिवाइजर कितना है, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, 82 से, 82 इंटू क्वेश्चन कितना है 59425 प्लस 50। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर कर देखते हैं हम, मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर करेक्ट होता है कि नहीं, ये रफ वर्क में करेंगे हम मल्टीप्लाई, यहाँ रफ वर्क बनाइए, 59425 × 82, 5 × 10 0 × 1, 2 × 4 = 15, 4 × 8 9 = 18, 8 × 1 5 × 10 = 11। अब 8 से, 5 × 8 = 40, 0 × 4, 8 × 16, 17, 18, 19, 20, 0 × 2, 8 4 = 32,
34, 4 कैरी 3, 9, 8 ज़ा 8 9 ज़ा 72, 73, 74, 75, 5 कैरी 7, 8 5 ज़ा 40 एंड 47. ओके चिल्ड्रन, अब यहाँ पर ऐड कर देते हैं 0, 5, 8, 12 कैरी 1, 5 एंड 1 6 एंड 1 7, 7 एंड 1 8 एंड 4. ओके, अब यहाँ पर 50 ऐड करना है. 50 ऐड करेंगे तब हमारा 0, 0, 1, 8 और 8, 16. तो चलिए हम करते हैं आगे. 50 को ऐड, यहाँ पर आएगा हमारा 5 और 5 10, 0 कैरी 1, 8 और 1 9, 2, 7, 8 एंड 4. तो हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट आ गया. क्या आ गया? 4, 8, 7, 2, 9, 0. हमने चेक और वेरीफाई दोनों कर लिया. ओके चिल्ड्रन, नाउ कॉपी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी. 81 divided by 214 9983. तो 81 के टेबल में 21 तो आएगा नहीं, तो हम प्री नंबर यूज़ करेंगे. अब 81 के टेबल में 214 के पास आसपास नंबर देखेंगे. तो 80 रफ वर्क बना लीजिए यहाँ पर. 81 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 8 2 ज़ा 16, 162 होता है. तो 162, 81 2 ज़ा 162. 4 में से 2 माइनस किया 2, 11 ये कट कर हो गया 0, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये हो गया 5. 81 के टेबल में 52 नहीं आता, 9 को हम नीचे कॉपी करेंगे, 529. अब 81 के टेबल में 529 के ऑलमोस्ट कौन सा नंबर आएगा? हम देते हैं 5 से. 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 405. थोड़ा बड़ा नंबर चाहिए. 81 × 6 कर कर देखते हैं. 6 × 6 6 ज़ा 48, 486. तो 486 आया. कितने ज़ा 81 कितने ज़ा 486 हमने अभी किया था? 6 ज़ा 486. 9 में से 6 माइनस करिए 3, 12 ये 4 हो गया कट कर कर. 8 में से 12 माइनस करिए 8, 9, 10, 11, 12. कितने आए? 4. सो 4. अब 43 पॉसिबल नहीं है 81 के टेबल में, तो 9 कॉपी करेंगे. 9 कॉपी किया. 81 के टेबल में 439 के ऑलमोस्ट नंबर चाहिए. तो 5 ज़ा 405 अभी हमने देखा था. तो 5 ज़ा 405. 5, 9 माइनस 5 इज़ 4. 3 माइनस 0 इज़ 3 एंड 0. अब 8 कॉपी करेंगे नीचे, ये 348. अब देखिए 348 सब बड़े नंबर हैं. 81 2 ज़ा 162 होता है. 81 4 ज़ा 4 32. सो 4 ज़ा 81 4 ज़ा 324. 8 माइनस 4 इज़ 4. 4 माइनस 2 इज़ 2. 3 माइनस 3 इज़ 0. अब 21 पॉसिबल नहीं है, तो हम 3 कॉपी करेंगे. 81 के टेबल में 243 के लगभग कौन सा नंबर आएगा? 81 2 ज़ा 162 होता है. 81 3 ज़ा नहीं किया, तो करते हैं 81 3 ज़ा 1 3 ज़ा 3 24. ठीक है, तो कितना हो गया? 3 ज़ा 81 3 ज़ा 243. ओके चिल्ड्रन, सो रिमाइंडर इज 0. ओके, नाउ वी हैव टू चेक आवर आंसर.
कैसे चेक करेंगे? हमारा क्वेश्चन है टू सिक्स फाइव फोर्टी थ्री और हमारा रिमाइंडर है ज़ीरो। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं हम, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ओके, सो क्वेश्चन है टू सिक्स फाइव फोर्टी थ्री इंटू हमारा डिवाइजर है 81 प्लस रिमाइंडर 0। तो हम मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं रफ वर्क में। ये हमारा रफ वर्क 265 43 इंटू 81। 1 3 3, 4 1 4, 5 6 and 2, 4 carry 2, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 8, 6, 48, 49, 50, 51, 52, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 8, 9, 6, 9, 4, 1 and 2। सो आंसर हमारा आ गया 214 9983। तो हमारा इसका मतलब डिवीजन करेक्ट है। कॉपी कर लीजिए अपनी क्लास वर्क कॉपी में और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।